नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट पूनम कोल आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल कानून की जानकारी में। तो फ्रेंड्स, जो आज मैंने टॉपिक लिया है ये है WS यानी रिटन स्टेटमेंट, या जिसको हम कहते हैं जवाब फाइल करना। क्या होता है ये WS, कितना टाइम पीरियड में हमें इस WS को फाइल करना होता है कोर्ट में, यानी व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फाइल द WS इन द कोर्ट, और अगर हम इस WS को कोर्ट में टाइमली फाइल नहीं करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं, यानी हमारे केस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है उसका, WS ना फाइल करने का पूरे टाइम पर। और बाय और अगर हमारे WS को कोर्ट ने स्टक ऑफ किया, दैट मीन्स स्टक ऑफ मीन्स दैट यू आर नॉट अलाउड टू फाइल द WS इन द कोर्ट, वाई जो भी होगा रीजन, अगर स्टक ऑफ हो गया तो उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें उस ऑर्डर को, स्टक ऑफ ऑर्डर को किस तरह से रेस्टोर करना है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि WS को जब हम ड्राफ्ट करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बारीकियां देखनी चाहिए ताकि हमारा जो केस है वो आगे जाकर स्ट्रांग हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इन सब बातों के बारे में जानना चाहते हो तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक। फ्रेंड्स, जब भी आप पर कोई केस करता है, जब भी आपके अगेंस्ट कोई भी केस करता है, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी केस फाइल करता हो, चाहे मेंटेनेंस का केस हो, DV का केस हो, प्रॉपर्टी का केस हो, कोई भी केस हो, तो जब भी आपको वो समन, पहली बात तो आपको समन मिलता है, और जब समन में जो डेट लिखा होता है उस डेट पर आप कोर्ट में जाते हो, और पहली डेट में कोर्ट आपसे ये कह रही है कि आप इसमें जवाब बनाकर दे दीजिएगा, लिखित जवाब बनाकर दे दीजिएगा, तो वो जो वो लिखित जवाब होता है वो होता है रिटन स्टेटमेंट, यानी उसको हम WS कहते हैं, अपनी लीगल भाषा में हम उसको WS बोलते हैं। तो ये जो WS है ये आपको जो टाइम फ्रेम है वो 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये फाइल करना होता है। अब बात ये है कि 30 डेज कहाँ से काउंट होते हैं, तो जब आप कोर्ट में आते हो तो आपके पास अगर जो भी अपोजिट जिसने आप पर केस किया है, जो भी उसने पेटिशन की कॉपी, सूट की कॉपी या कंप्लेंट की कॉपी जो भी उसने फाइल किया है, अगर वो कॉपी आपके पास है तो आपको उसका जवाब देना है। जब आपको वो कंप्लेंट मिली है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसका जवाब देना है, और अगर आपके पास वो कॉपी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको उस दिन कोर्ट में रिक्वेस्ट करनी है, कोर्ट में बोलना है कि जो भी इन्होंने फाइल किया है, चाहे वो पिटिशन हो, चाहे वो सूट हो, चाहे वो कंप्लेंट हो, जो भी केस इन्होंने फाइल किया है उसकी कॉपी या डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, तो कोर्ट आपको प्रोवाइड करवाएगी, यानी वो अपोजिट पार्टी को ये बोलेगी कि आप इनको ये कॉपी प्रोवाइड करें, और जब आपको वो कॉपी प्रोवाइड होगी तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब बनाकर देना है, यानी जब भी आपको कॉपी डॉक्यूमेंट सप्लाई होते हैं वहां से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, 30 दिन का टाइम पीरियड, यानी 30 दिन तक आपको जवाब देना है। और अगर किसी कारणवश आप 30 दिन के अंदर अंदर जवाब नहीं दे पाए तो आपको एक एप्लीकेशन देनी है कंडोनेशन ऑफ डिले की, कि मैं 30 दिन के अंदर अंदर नहीं जवाब दे पाया तो उसका जो रीजन है वो ऐसे है, तो कोर्ट आपको और टाइम दे देगी, यानी 90 डेज में आप फाइल कर लो, लेकिन 90 डेज में भी अगर आप फाइल नहीं कर पाओगे WS तो आपको एक सफिशिएंट ग्राउंड देना है कि क्यों नहीं आपने WS इतने दिन में फाइल किया है, तो उस एप्लीकेशन पर बहस भी होगी, तो आपका जो उस पर ग्राउंड होगा वो सफिशिएंट रीजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, नहीं, इट शुड बी अ सफिशिएंट ग्राउंड, यू हैव टू सेटिस्फाई द कोर्ट व्हाट इज द रीजन दैट यू हैव नॉट फाइल्ड द WS विद इन अ पीरियड, यू हैव टू गिव सफिशिएंट रीजन। और उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी होगी तो वो भी आप लगाइए, आप कोर्ट में दिखाइए कि ऐसा केस है जहां पर इतने टाइम पीरियड पर WS फाइल नहीं हुआ है लेकिन कोर्ट ने ग्रांट किया है कि ठीक है आप WS फाइल कर सकते हो, तो अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई भी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कोई भी जजमेंट हो तो आप उसके साथ लगाइएगा जरूर।
तो अब इसमें बात आती है कि जब आप AWS फाइल नहीं करते हो तो जो अपोजिट पार्टी होती है वो भी एप्लीकेशन लगाती है, वो ये एप्लीकेशन लगाती है कि इसने इतने दिनों के बाद AWS फाइल किया है, तो इसका जो AWS है वो स्टक ऑफ हो जाए, यानी इसको AWS फाइल करने की इजाजत ना दी जाए। हम इसका अपोजिशन कर रहे हैं, हम अपोजिट है इसके कि AWS इसको फाइल ना करने दे। तो उसके लिए जो भी वो एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपको उस एप्लीकेशन का जवाब देना है और कोर्ट को सेटिस्फाई करना है कि क्या रीजन है। एक तो आपको उसका जवाब भी देना है और कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन भी लगानी है, और ये कोर्ट को सेटिस्फाई करना है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस दैट वी आर नॉट एबल टू फाइल AWS विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन द कोर्ट। तो अगर कोर्ट को आपका जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जो भी आपका तर्क होगा वो सही लगा, तो वो आपकी एप्लीकेशन को अलाउ कराएंगे या आपकी जो डिले है उसको वो कंडोन करेंगे। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोर्ट में जाते हो तो आपको ये पता चलता है कि आपका जो AWS है वो ऑलरेडी स्टक ऑफ हो गया, यानी ऑर्डर पास हो गया, यानी जैसे आपने पहले ही ऑर्डर पास किया कि आप एक्स पार्टी हो गए हो और अब आपको AWS जो है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाएगा, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, पहले उस ऑर्डर कॉपी की सर्टिफाइड कॉपी निकालनी है और उसके बाद एक एप्लीकेशन लगानी है सेट असाइड उस ऑर्डर को, जो जिस डेट पर वो ऑर्डर हुआ उस ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए एक एप्लीकेशन लगानी है, और उस एप्लीकेशन को अगर वो एप्लीकेशन अलाउ हो गई, यानी वो एप्लीकेशन पर आपको आर्ग्यूमेंट करना है, उस एप्लीकेशन पर जो अपोजिट काउंसिल है वो भी आर्ग्यूमेंट करेंगे, और अगर वो एप्लीकेशन अलाउ हो जाएगी तब आप AWS ऑन रिकॉर्ड फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर वो जो आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस हो जाएगी तो फिर आप AWS को ऑन रिकॉर्ड फाइल नहीं कर सकते हो। देन देयर इज अनदर ऑप्शन दैट यू हैव टू गो फॉर एन अपील। तो फ्रेंड्स, अब आप ये ध्यान में रखिएगा कि AWS को आप पूरे टाइम पर फाइल कीजिए, AWS को आप फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, क्योंकि एक बार आपका जो AWS है वो स्टक ऑफ हो जाएगा तो आप कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचोगे, यानी आपकी कोर्ट में जज साहब आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि AWS पर फाइल करना है, पूरे टाइम पर फाइल करना, और बाय चांस अगर नहीं हुआ तो आपको पूरे पूरे एफर्ट्स लगाने हैं कि आपका जो कंडोनेशन और डिले की एप्लीकेशन है या सेट असाइड की एप्लीकेशन जो लगा रहे हो वो अलाउ हो जाए और आपको जो AWS है वो ऑन रिकॉर्ड ऑफ फाइल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये AWS इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आपको यहाँ AWS ही फाइल करने नहीं देंगे तो आपको क्या बोलना है अपने बारे में, आपको इस केस के बारे में क्या बोलना है, तो आपको वो मौका मिलेगा नहीं, यानी वो मौका आपका क्लोज हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि AWS ड्राफ्ट करने के टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे कि आपके खिलाफ किसी ने केस किया है, अब क्या केस किया उसे, तो अपनी सारी बातें उसमें लिख दी, तो अब आपको आपको कोर्ट मौका दे रहा है कि भाई अगर इसने इतना सारा लिखा है, ये बोल रहा है, तो अब आप बोलो, आप भी अपनी बात रखो। यानी ये AWS एक जरिया है कि आप अपनी बात जज साहब के सामने रख सकते हो कि मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो AWS है इसमें पहले आप प्रिलिम ऑब्जेक्शन ले सकते हो। प्रिलिम ऑब्जेक्शन में आप कोई भी, अगर जिसने भी केस किया है क्या उसका ज्यूरिसडिक्शन बनता है, क्या उसका लिमिटेशन वो बाहर तो नहीं है, या क्या जो उसमें कोर्ट फीस है क्या वो प्रॉपर कोर्ट फीस उसे दी है, तो आपके पास जो जो भी ऑब्जेक्शन है, जैसा भी आपको लगता है कि यार या यहाँ पर ऑब्जेक्शन है, तो वो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन में आप कवर कर सकते हो, पहली बात। फिर आपको जो कहना है, जैसे हम पैरावाइज रिप्लाई देते हैं, लेकिन अगर आप पैरावाइज रिप्लाई में भी कहना चाहते हो लेकिन आप अपनी बात उससे पहले बोलना चाहते हो, तो आप अपने वहां पर ब्रीफ फैक्ट्स, यानी प्रिलिम ऑब्जेक्शन के बाद, प्रिलिम ऑब्जेक्शन जो होंगे वो 1, 2, 3, 4 जितने भी ऑब्जेक्शन है आप वो लिख दीजिए, प्रिलिम ऑब्जेक्शन, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, और उसके बाद आप ब्रीफ फैक्ट्स भी लिख सकते हो। ब्रीफ फैक्ट्स में आप अपने फैक्ट्स दे सकते हो कि मैं ये बोलना चाहता हूं, तो उसके आप ब्रीफ फैक्ट्स भी
की दे सकते हो। और उसके बाद आप पैरावाइज रिप्लाई देना है। पैरावाइज रिप्लाई इज एन इम्पॉर्टेंट। अब यहां पर अगर आप ब्रीफ एक्ट नहीं देना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ब्रीफ एक्ट आप पैरावाइज रिप्लाई में बता सकते हो कि मेरा ये कहना है। तो ये आप पर चॉइस है कि आप ब्रीफ एक्ट भी दे सकते हो और फिर पैरावाइज रिप्लाई में, अगर आप ब्रीफ एक्ट नहीं देते हो पैरावाइज रिप्लाई में वो फैक्ट दे देना। अब जब पैरावाइज रिप्लाई है उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, पैरावाइज रिप्लाई में जो भी उन्होंने पैरावाइज लिखा है, अगर उन्होंने कोई भी फर्स्ट पैरा लिखा है कुछ जो रिकॉर्ड पर है, तो आपको उसमें सिंपली कहना है इट इज एडमिटेड एज ये रिकॉर्ड है, जो भी है रिकॉर्ड है, एडमिटेड है फैक्ट, तो आप उसको एडमिट करो। और जो फैक्ट आपको लगता है कि ये एडमिटेड नहीं है, ये गलत है, तो उसको डिनाई करना है, डिनाइड, हेंस नॉट एडमिटेड। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक एक पर्टिकुलर फैक्ट जो वो दे रहे हैं उस पर्टिकुलर फैक्ट को आपको पैरावाइज रिप्लाई में डिनाई करना है। अगर आपको लगता है कि ये डिनाई करना तो डिनाई कीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं ये डिनाई नहीं करना, ये मानना है, तो आप उसको मान लीजिए, तो एडमिट कीजिए, हेंस दिस पैरा इज एडमिटेड और दिस पैरा इज डिनाइड। और अगर आप चाहते तो वो पैरा लिखकर उसको डिनाई करना। और जब आप डिनाई करते हो, अब आपने ब्रीफ एक्ट्स पर नहीं लिखे है या लिखे भी है, अगर आप यहां पर उसको डिनाई कर रहे हो, तो फिर आपको लिखना है कि इट इज सबमिटेड इन दिस रिगार्ड, इट इज सबमिटेड दैट, आप क्या बोलना चाहते हो इस रिगार्ड में, आप क्या बोलना चाहते हो, तो वो आप वहां पर लिख सकते हो। और अगर आपने वो ऑलरेडी ब्रीफ फैक्ट्स में लिखा है तो आप ये लिख सकते हो इन दिस रिगार्ड इट इज ऑलरेडी सबमिटेड इन द ब्रीफ फैक्ट्स एबो, जो आपने ब्रीफ फैक्ट्स में लिखा हो। तो यहां पर आपको हर पैरा को डिनाई या एडमिट करना है, और हर पैरा में जो वो बोल रहा है, जो आप डिनाई कर रहे हो तो वो क्यों डिनाई कर रहे हो, और अगर एडमिट कर रहे हो तो वो तो एडमिटेड फैक्ट ही है, तो वो एडमिट कर रहे हो, डिनाई क्यों कर रहे हो, अगर वो डिनाई कर रहे हो तो आपको इसके बदले में क्या लिखना है, वो सारी चीजें आप यहां लिख दीजिए। और इसमें और एक चीज है कि जो जो चीज आप जो जो भी फैक्ट आप यहां पर लिखोगे, जहां पर फैक्ट लिखोगे, बाय चांस आपको कोई फैक्ट ऐसा है जो याद ही नहीं रहा कि इसमें लिखना है, तो आप फिर बाद में उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हो, आप वो फैक्ट उठाकर फिर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको पहले जब भी आप WS यानी रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करोगे, आपको जो अपना माइंड है वो क्लियर करना है कि मुझे लिखना क्या क्या है। एक बार जो आपने लिखा है तो आपके आर्ग्यूमेंट्स उसी पर चलेंगे, फिर आपका जो एविडेंस है वो उसी पर चलेगा आगे जाकर, नहीं तो अगर जो चीज आप यहां नहीं लिखोगे तो आगे जाकर वो माना नहीं जाएगा। तो यहां पर आपको ये सारी चीजें लिखनी है, प्रिलिम ऑब्जेक्शन, ब्रीफ फैक्ट्स, पैरावाइज रिप्लाई, और फिर प्रेयर क्लॉज को भी डिनाई करना है, और आप क्या चाहते हो वो लिखना है। तो इस तरह से WS बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको और भी कुछ WS के बारे में जानना है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, जितना मेरे से हो सका उतना मैंने आपको यहाँ कवर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अगर आपके फिर भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे कमेंट्स को जवाब नहीं दे पा रही हूँ, नहीं कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि कोर्ट के ऐसे बर्डन भी हमारे ऊपर आते हैं, केसेस करने पड़ते हैं, तो इस वजह से मैं फ्रीक्वेंट नहीं देख पाती हूं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। लेकिन जो जो चीज जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप उन कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगी। तो इजाजत दीजिए, नए टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित हो जाऊंगी, और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।